रतलाम में लंपे वायरस को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि रतलाम ग्रामीण से भाजपा विधायक दिलीप मखवाना ने कांग्रेस पर पलटवार कर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ रतलाम जिले में लंपे वायरस और किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता डीपी धाकर सड़कों पर प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार पर बड़े आरोप लगाए। कांग्रेस नेता ने लंपे वायरस को लेकर कहा कि जिले में वायरस फैलता जा रहा है, प्रशासन और सरकार गायों की मौत के आंकड़े छुपा रही है। गायों की लंपी वायरस से रक्षा करने के लिए भाजपा का दुपट्टा गले में डालकर घूमने वाले कार्यकर्ता आज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक दिलीप मखवाना ने कहा कि गांव-गांव घूमकर लंपी वायरस से बचाव के लिए प्रयास में जुटे हुए हैं, गौशाला का निरीक्षण कर पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर बुलवा रहे हैं और लंपी वायरस के लिए वैक्सीन और दवाओं को जुटाने के साथ इलाज के निर्देश भी दे रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस के बयान पर बीजेपी विधायक ने पलटवार किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। लंपी वायरस पूरे रतलाम जिले में लगभग 100% गायों में प्रवेश कर चुका है, यह बात करीबन एक महीने पहले की है। आज स्थिति ये हो गई कि गायों की मौतें होने लग गई है हर गांव में। मुझे मेरा जो क्षेत्र है वहाँ मैंने प्रशासन को भी बताया कि 15 20 25 गायें एक गांव में मर गई है, लेकिन प्रशासन ने मौत का आंकड़ा जिस तरह कोरोना में इंसान का छुपाया था उसी तरह आज गाय का छुपा रहे हैं। लिम्फा वायरस बिल्कुल नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान इसकी चिंता कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी चिंता कर रहे हैं। मैं खुद रतलाम ग्रामीण में आज इसरथुनी गौशाला में आया हूँ, यहाँ देख रहा हूँ और डेली हमारी समीक्षा भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है।